नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आम जनता के बीच में सवाल करने के लिए पहुंच रहे हैं कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए, बाबा राम रहीम जी के लिए आज आम जनता के क्या विचार हैं, क्या लोगों को लग रहा है आज बाबा जी के लिए क्या विचार रख रहे हैं। सवाल लोगों से करते हैं और जानते हैं क्या विचार हैं आज उनके। नमस्कार मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम खुशी है। ओके, क्या काम करते हो आप? आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर इन इंटरनेशनल स्कूल। आपको क्या लगता है, जैसे सोसाइटी में आप जाते हो वेल एजुकेटेड, एक स्पेशली आपका रोल है जो टीचर्स का है, गाइड करने का है, तो क्या कहना चाहोगे जो बाबा राम रहीम जी हैं वो भी गाइडेंस के मामले में सुने, उनके लिए आपके क्या विचार हैं आज? वेल मैम, उनके जो भी काम किए हैं, उन्होंने जो भी सोसाइटी में अच्छे काम जो 100+ किए हुए हैं वो किसी से भी नहीं छुपे हैं। तो सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल थ्रू या फिर किसी भी चैनल के थ्रू हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बहुत सी पब्लिक है जो उनको फॉलो करती है। तो मैम मानती हूँ कि जो काम वो करवाते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर हम किसी एक पर्सन को बोले कि आप ये काम कर दो, आपको ये करना है, ये चीज़ न्यू फॉलो करनी है, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी उसको तभी फॉलो करेगा। और वो जो गुरुजी हैं वो एक बार में कहते हैं और 5 करोड़ जो संगत है वो साथ के साथ फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली उनमें एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ और उन कामों के लिए उनको लाइक पॉजिटिविटी भरती है उनके अंदर। आपको क्या लगता है, आपने किस तरह के काम उनके देखे हैं, क्या देखा है आपने उनके बारे में? वेल मैम, मैंने बहुत से देखे हैं, जैसे उनके सफाई महाभियान हो गए, ट्री प्लांटेशन का होता है उनकी साइड से, और जैसे वैश्या के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम शुरू किया, तो उन सब चीज़ों को लेके मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ उनसे। और जैसे देखा है कि सफाई महाभियान में वेल क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वो सब लोग वहाँ जाते हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं फील होता कि हम गंदगी उठा रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हम ये सब काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी शाई फील नहीं करते हैं और गट्स के साथ वो सारा काम करते हैं, जो कि जो पब्लिक देखती है उनको भी फील होता है कि हाँ यार कुछ तो है जो ये सब ऐसे कर रहे हैं। देखिए मैम, सोशल मीडिया की बात करें या फिर मीडिया की बात करें, उसके बारे में दोनों इम्पैक्ट को दिखाया गया है, मतलब जो ज़्यादा अगर हम बात करें में तो उनके बारे में कुछ अलग दिखाया गया जो आप बता रहे हो, तो आप उस पर विश्वास क्यों कर रहे हो, मतलब क्या आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में जो उनके बारे में दो पहलू रखे गए हैं? वेल मैम, अगर हम डेरे को छोड़ के किसी और भी चीज़ की या न्यूज़ के बारे में देखें तो जो रियल होती है वो सोशल मीडिया दिखाता ही नहीं है, वो काफ़ी कुछ ऐड ऑन करता है। और अगर यहाँ देखा जाए जो रियलिटी है, हमने लोगों से सुना है, सोशल मीडिया के थ्रू हम जानते हैं, तो वो सब जो चीज़ें इतनी वो कर रहे हैं, हम उनको निग्लेक्ट करके सोशल मीडिया मीडिया पे ध्यान दें, जो भी वो उन्होंने इतना गलत दिखाया बोला वो सब, तो मैं नहीं मानती कि हम एक अच्छी चीज़ को निग्लेक्ट करके झूठी चीज़ को लाइक फॉलो करें, तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती उस चीज़ पे जो भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने बहुत कुछ गलत दिखाया, जो मैंने खुद विजिट किया है मेरे रिलेटिव्स के साथ, जो MSG रिजॉर्ट है, हम एक बार वहाँ गए तो हमने खुद देखा कि वो एक रिजॉर्ट है जबकि उन्होंने उसको गुफा का नाम दिया, तो वो तो बिल्कुल ही शरेआम झूठ था, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। अच्छा, आपके रिलेटिव भी जाते हैं तो, और मतलब कभी भी इस तरह का इम्पेक्ट जो, मतलब जो इस तरह की कोई बात आपने कभी फील किया हो जो आसपास कहीं से? बिल्कुल भी नहीं मैम, और मेरे रिलेटिव हैं, उनकी बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है, तो मैंने उनसे जो देखा है कि वो बहुत अच्छे प्रीचिंग्स, गाइडेंस देते हैं उनको, और जो चीज़ वो उन्होंने बोली वो तो कहीं भी मेरे को वहाँ से सुनने पे नहीं आई कि ऐसा कुछ होता है। मैंने देखा है वो ये है कि नशा और ड्रग्स काफ़ी बढ़ चुके हैं इस टाइम, बिकॉज उनके जब भी मंथली या 15 डेज़ के बाद उनकी सत्संग होती तो हज़ारों की तादाद में जो लोग होते थे वो नशा छोड़ के जाते थे, लेकिन अब 2 साल से गुरुजी का कोई सत्संग नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये सब छोड़ना था वो और ज़्यादा लेने लगे हैं, तो यूथ है कहाँ, गुरुजी उनके लिए एक आइकन थे, लोग उनको फॉलो करते थे और पॉजिटिविटी भरते थे अपने अंदर, लेकिन अब क्या है कि वही यूथ ड्रग्स की साइड जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट है, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द आएँ और वो इन सब बुराइयों को फिर से लाइक ख़त्म करने के लिए जुड़ जाएं इस सब में। क्या सोसाइटी को ज़रूरत है आज उनकी? डेफिनेटली मैम, मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक जैसे मैं बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा बुराइयाँ फैल रही हैं, ड्रग्स का हो गया, वैसे भी बहुत से क्राइम फैल गए हैं, तो लोगों को उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए, एक पावर चाहिए जो उनको अच्छे
अच्छी साइड लेके जाए, तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द आके इन सब को फिर से कंटिन्यू करें। एक जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिविटी की बात की, तो नेगेटिविटी को क्यों दिखाया गया, मतलब पॉजिटिविटी को क्यों नहीं किया गया, मतलब आपको क्या लगता है? मैम, एक जो इंसान ही हम लगा लें कि अगर वो कुछ अच्छा करता है तो कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं सहन कर पाते कि हाँ ये सक्सेस पे क्यों जा रहा है। तो गुरुजी ने तो इतने ज़्यादा लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाई, नशों से दूर किया, बहुत से लोग थे जिनके घर बर्बाद हो रहे थे लेकिन उनको बचाया, उनकी बच्चों की लाइफ को बचाया आगे। तो यही कुछ रीज़न है कि मतलब जो सब पॉजिटिविटी के रीज़न है, तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ बचा के एक अच्छे मोड़ पे आ चुके हैं, तो यही पॉजिटिविटी के रीज़न है। जैसे थैंक यू सो मच, ये हैं रियल फैक्ट जो हमने आपके सामने रखा।